हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटर हब में। आज हम बात करने वाले हुंडई की टॉप सेलिंग हैचबैक कार हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस 2021 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट्स से, तो इसमें आपको चार वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स और आस्था। और ये चार वेरिएंट्स में स्पोर्ट्स वेरिएंट जो है सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स माना जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो अभी जो स्पोर्ट्स वेरिएंट देख रहे हैं पेट्रोल इंजन के साथ में, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो 672,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 777,000 का आपको ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और ये ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांसमिशन चूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी आइकॉनिक और स्पोर्टी लुक्स के साथ आती है हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस। इसमें आपको 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है हुंडई की तरफ से। पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर कापा पेट्रोल मिलता है, जो 82 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क और लगभग 20 की माइलेज आपको मिल जाती है इसमें पेट्रोल में। और ऐसी कुछ इसमें की ऑफर की जाती है जिसमें फ्लिप की मिलती है आपको, लॉक अनलॉक, बूट खोलने का बटन, और पीछे हुंडई की ब्रांडिंग दी गई है आपको, तो काफ़ी प्रीमियम आपको इसमें की मिल जाती है। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे होंगे काफ़ी बोल्ड लुक आपको सामने की तरफ मिलता है, काफ़ी SUV ट्रांस लुक्स इसमें मिल जाते हैं। सामने की तरफ यहाँ पे हुंडई का आपको बड़ा सा लोगो मिल जाता है, उसी के नीचे आपको यहाँ पे ग्रिल दी गई है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगती देखने में। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं, ये बूमरैंग डिज़ाइन आपको यहाँ पे DRS दिए गए हैं जो कि नाइट में काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में। यहाँ पे हेलोजन सेटअप आपको मिलता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी आपको दिया गया है। उसी के नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में, एंड गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 167 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस में, और नीचे से आप गाड़ी को देख सकते हैं। व्हील बेस की बात की जाए तो 2450 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिल जाता है। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। और टायर साइज़ की बात की जाए तो इसमें 165/70R14 का आपको टायर साइज़ मिल जाता है, और ब्लैक फिनिश में ये अलॉयज़ जो है काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। एंड ऊपर आपको यहाँ पे वाइपर्स दिए गए हैं वॉशर के साथ में, एंड ऊपर से आप गाड़ी को देख सकते हैं। बात करते हैं ORVMs की, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर भी ORVMs पे दिए गए हैं। गाड़ी के लेंथ की बात की जाए तो 3805 mm गाड़ी की लेंथ है। गाड़ी की हाइट की बात की जाए तो 1520 mm आपको हाइट मिल जाती है। गाड़ी की विड्थ की बात की जाए तो 1680 mm आपकी विड्थ मिल जाती है। तो स्पेसियस केबिन आपको मिल जाता है हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस में। फ्रंट के बाद आप बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, तो नीचे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर करते हैं पीछे, और आगे वाली व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए। यहाँ पे ऐसा कुछ फ्लूइड मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी आपको 37 लीटर की आपको मिल जाती है, तो 37 लीटर तेल आ जाता है हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस में। यहाँ पे ग्रैंड आइटेन की आपको यहाँ बैजिंग देखने को मिलेगी ब्लैक फिनिश में जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया गया है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। चलिए गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि हेलोजन है, और जिनका डिज़ाइन आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ऊपर की बात करें तो जैसा कुछ आप पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं ग्रैंड आइटेनियोस का, यहाँ पे हुंडई का बड़ा सा लोगो, उसी के नीचे आपको नियोस की बैजिंग देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पे आपको बैक कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है। एंड ऊपर की बात करें तो ये हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है, ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया गया है, और नीचे की बात करें तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए, और पीछे से भी काफ़ी बेहतरीन लगती है हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस। और जैसा कि आप पीछे से पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं, गाड़ी की लेंथ जो है 3.8 मीटर है, जिससे कि आपको गाड़ी में स्पेस अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे बूट खोलने का आपको बटन दिया गया है, और बूट स्पेस की बात करें तो 260 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस में। नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ में, एंड ऊपर ये पार्सल ट्रे दी गई है जिसको आप हटा भी सकते हैं, एंड इन लीवर के थ्रू आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं जिससे कि स्पेस और भी बढ़ जाएगा। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे बूट स्पेस ऑफर किया गया है हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस में। चलिए टेल गेट को बंद करते हैं, और यहाँ पे डिफॉगर भी आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में, एंड यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। चलते हैं पीछे की सीट्स पे। डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर में पूरा ये डोर पैनल दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स दिए गए हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स, और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे बोतल होल्डर के लिए जगह, एंड डोर पैनल पे काफ़ी बढ़िया आपको डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात करते हैं रियर कैबिन की, तो ऐसा कुछ आपको पूरा रियर कैबिन देखने को मिलेगा। चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से लेग रूम देखते हैं पूरा। तो ग्रैंड आइटेनियोस का लेग रूम देख सकते हैं, मेरी हाइट 5'8" है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितना क्या स्पेस बच जाता है। और नीचे की यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है,
काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और पीछे का पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं, ऊपर ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं एंड दो हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं जिसमें को जो कि फिक्स्ड हैं, और पीछे आपको पार्सल ट्रे दी गई है जिससे कि आप छोटा मोटा सामान पीछे रख सकते हैं। एंड पीछे के पैसेंजर्स को ऐसा दिखता है व्यू फ्रंट डैशबोर्ड का, ऊपर रीडिंग लाइट्स, तो डुअल टोन कलर में पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। इंफोटेनमेंट से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको बीच में दिए रहे हैं। चलिए आगे के सीट्स पे चलते हैं और सारे फीचर्स देखते हैं। तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिए गए हैं, और डोर पैनल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको पूरा डोर पैनल दिया गया है डुअल टोन कलर में, और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल्स दिए गए हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन मिल जाता है डोर पैनल पे, पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, यहाँ ORVM को फोल्ड करने के कंट्रोल्स एंड यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, ये ORVM को कंट्रोल करने का पूरा बटन दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर के लिए जगह है, बॉटल होल्डर के लिए जगह दी गई है। बात करते हैं फ्रंट कैबिन की, तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फिनिश के साथ आपको फ्रंट कैबिन में मिलता है। यहाँ पे फैब्रिक वॉशी दी गई है, यहाँ से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं सीट्स को। नीचे फील्ड डोर ओपनर बूट ओपनर दिया गया है, हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है, एसी के वेंट जो कि राउंड शेप में है और काफ़ी बेहतरीन लगते हैं देखने में। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं और अंदर से सारे फीचर्स देखते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड का भी आप देख रहे हैं, हुंडई ग्रैंड आई टेन नियोस का जब आप स्पोर्ट्स वेरियंट देख रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम इंटीरियर आपको मिल जाता है सेगमेंट के हिसाब से। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं और दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें एनालॉग आपको यहाँ पे टैकोमीटर दिया गया है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे डिजिटल मिलता है, और MID दी गई जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ट्रिप ए ट्रिप बी माइलेज और सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। सारी चेकलाइट्स दी गई हैं एंड MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग दिया गया है ग्रैंड आइटेनियोस में जिसमें इंफोटेनमेंट सेंटर कंट्रोल, बीच में हुंडई का लोगो, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, काफ़ी बेहतरीन स्टेयरिंग, यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं, इधर आपको हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, और स्टेयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल से, तो यहाँ पे आपको 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सबको सपोर्ट करता है। इसमें आपको 4 स्पीकर्स का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है आर्कमिस का, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको देख रहे हैं कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट से रिलेटेड, और काफ़ी बढ़िया इंफोटेनमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। उसी के नीचे आपको हेजालाइट का बटन भी मिल जाता है, AC के वेंट्स जो कि इसमें सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है स्पोर्ट्स वेरियंट में, एंड उसी के नीचे आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, उसी के बगल में USB पोर्ट आपको मिल जाता है, और उसके नीचे यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए आपको स्पेस अच्छा खासा दिया गया है। अभी यहाँ पे 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें, और यह मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर दिए गए। अब बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में आपको इतना कुछ स्पेस दिया गया है, ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, ऊपर यहाँ पे स्पेस मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। आपको डैशबोर्ड पे बढ़िया यहाँ पे फिनिश देखने को मिलेगी जो कि इंटीरियर को और भी बेहतरीन बना देती है। एंड ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है सनवाइज़र में, एंड इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट दी गई है एंड विजिबिलिटी आप देख सकते हैं ग्रैंड आइटेनियोस की। काफ़ी बढ़िया प्रीमियम इंटीरियर आपको दिया गया है ग्रैंड आइटेनियोस में। चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको ABS विद EBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, और 2 एयरबैग आपको मिलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में। और कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको फेयरी रेड, पोलर वाइट, टाइफून सिल्वर, एक्वा टील, टाइटन ग्रे, ये 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको डुअल टोन रूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है, और CNG के साथ भी आती है जिससे कि आप इसको चलाने में जो काफ़ी कम खर्चा आएगा। तो अपने सेगमेंट की ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन हैचबैक कार है हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस।
तो ये थी हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस 2021। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू बीआर हुंडई महानगर लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी हुंडई कार्स, विजिट दिस शोरूम। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आशीष मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।